हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है फिट हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज डिटेल से वीडियो शेयर करेंगे लेमन ग्रास प्लांट्स के अबाउट। इनको आप रूफटॉप पे, बालकनी पे, टेरेस पे इजीली ग्रो कर सकते हैं। बस आपने कोशिश करनी है कि मिट्टी का गमला हो और उसके नीचे ड्रेनेज होल एक या दो हो। गमले के अंदर बहुत ही वेल ड्रेन्ड सॉइल यूज़ करनी है, जिसको आप भल वाली मिट्टी, भालू मिट्टी या सैंडी सॉइल कहते हैं। अब हम स्पेशली डिस्कस करेंगे कि सर्दियों में जब विंटर स्टार्ट होती हैं तो आपने इसको कैसे बचाना है, इसको कैसे सरवाइव करना है। बेसिकली जब थोड़ी सी भी ठंड हो तो इसके लीव्स ड्राई होने लगते हैं, तो आप कोशिश किया करें इसकी एक बार सिर्फ और सिर्फ हार्ड प्रूनिंग कर दें। इसको बिल्कुल भी इंडोर ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसको पॉलीथीन से कवर करें, ना इसको ग्रीन नेट में कवर करें, सिर्फ और सिर्फ इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दें। इतनी ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग होनी चाहिए कि मिट्टी के ऊपर से जितने भी आपको इसकी ब्रांचेस, इसके ड्राई लीव्स, इसके ग्रीन लीव्स नज़र आ रहे हैं, उनको एक बार हार्ड प्रून कर दें। इससे आपको ये बेनिफिट्स होंगे कि जब इसकी नई कोंपलें निकलेंगी, एक तो आपका प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्थी भी होगा और जो मौसम होगा जिसमें ठंडक होगी वो आपके प्लांट को कभी भी ख़राब नहीं करेगा। अगर आप इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे तो आपका जो भी जितना भी प्लांट होगा वो दिसंबर और जनवरी में ड्राई होने लगेगा, इवन के इसकी रूट्स भी ख़राब होने लगेगी। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद थोड़ी सी गोडी कर लें, मिट्टी को सॉफ्ट कर लें। अगर फर्टिलाइज़र डोज़ करना है तो बिल्कुल थोड़ा सा डोज़ करें, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना। उसके बाद इसको पानी फ्लड करें, आपका प्लांट 100% परफेक्ट है। हमेशा इसको ऐसे गमलों में ग्रो किया करें जो बहुत ज़्यादा चौड़े होने चाहिए, मतलब गमला जितना ज़्यादा वाइड होगा इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स निकलेंगी, रूट्स ज़्यादा डेवलप होंगी और इसके अंदर से बहुत ही बेबी प्लांट्स निकलेंगे। लेमन ग्रास बेसिकली एक मेडिसिनल प्लांट है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसको अगर थोड़े से पानी में उबाल लें आप तो इसका कावा भी बना सकते हैं, हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त है, इसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़बरदस्त है। और जो इसकी नीचे वाली मोटी मोटी गंडले होती हैं, जिस तरह साग की गंडले होती हैं, इसकी जो मोटी मोटी गंडले होती हैं, अगर आप उनको पानी, थोड़े से पानी में बॉयल करके उस पानी को आप उस वाली मशीन में डालें जो जिसमें लिक्विड का जो मच्छर मारने वाला लिक्विड होता है उसमें डाल के अगर आप रूम में उसको ऑन करते हैं तो ये मच्छरों को भी रिपेल करेगा। मतलब ये 100% आपका हर्बल प्लांट है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन कभी भी इसको चीकनी मिट्टी में ग्रो मत करें, इसको वो वाला फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ना दें जो जिसके बारे में आपको कन्फर्म हो कि वो फुली डीकम्पोज नहीं है। अगर आप ऐसा फर्टिलाइज़र देंगे तो इसकी रूट्स के अंदर फंगस लग जाएगा, और अगर एक बार इसकी रूट्स में फंगस लग जाए तो इसके रिकवरी के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इसका जो बेस्ट फर्टिलाइज़र है वो है गली सड़ी गोबर की पुरानी सी पुरानी खाद, और इसका फर्टिलाइज़र देने का जो बेस्ट टाइम है वो दिसंबर और जनवरी है। ऐसी खाद थोड़ी सी हीट को प्रोड्यूस करती है, लेकिन जब मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो, ठंडक हो, तो आपका प्लांट बहुत जल्दी उसको सूट करता है, सारे न्यूट्रिएंट्स को सक करता है और आपका प्लांट ज़बरदस्त होता है। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ 5 दिन के बाद की अपडेट, शॉर्ट सी अपडेट शेयर कर रहे हैं कि जिस प्लांट की हमने हार्ड प्रूनिंग की थी उसके एक प्लांट में से मल्टीपल ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो गई है। अब इनके अंदर एक तो बहुत ज़्यादा लिक्विड सा होगा, जूसी होंगी, पल्पी होंगी, आप इनको, इन छोटी छोटी को भी हार्वेस्ट कर सकती हैं अगर आपने इसका कावा बनाना है। अदरवाइज़ आप वेट करें, मार्च अप्रैल तक आपका ये गमला बिल्कुल बुशी होगा, हेल्थी होगा, फिर आपको जितना ज़्यादा हार्वेस्ट करना होगा आप 2, 4, 8, 10 कोंपलें कर सकते हैं। इसका प्लांट मई, जून, जुलाई में भी अच्छे से सरवाइव करता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, हबस हो, फिर थोड़ा थोड़ा सा ड्राई करता है, लेकिन इसकी रूट्स कभी भी ख़राब नहीं होता। ये आपका 100% नेचुरल प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, ये आपका सीजनल प्लांट नहीं है। बस इसको ऐसा फर्टिलाइज़र कभी भी ना दें जो नॉन डिकम्पोज हो, इसकी बहुत ही सिंपल सी केयर, और इसको लाजमी ग्रो करें।